जंगल। एक बार फिर से शाम की खबरों में मैं अमित शर्मा आपका स्वागत है एक बार हमारे न्यूज चैनल चुरी तक। आज मैं आपको अपने और सुज्जू, आपको सुज्जू का नाम तो याद आ ही गया होगा, टहलू की जो गर्लफ्रेंड छलंका की जो लड़की है, आज सुज्जू के साथ हम आपको अपना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं सुज्जू के घर की और सुज्जू के हमारे पता चला कि अपने घर के बाहर ही काम कर रही है। आप थोड़ा सा कैमरे की ओर फोकस करिए, ये हमारी सुज्जू बैठी हुई है आप, जी हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, सुज्जू से हम करने जा रहे हैं बातचीत। सुज्जू जी चुरी तक की टीम की तरफ से आपको एक बार नमस्कार, हम संवाददाता अमित शर्मा चुरी तक की टीम पैडोल से बात कर रहे हैं। आपके पास आज हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, क्या आपके पास पासवर्ड है? आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपकी जो प्रेमी है टहलू, उन्होंने आपको धोखा दे दिया है सुनने में आया, तो क्या बोलना चाहेंगे आप अपने प्रेमी के बारे में? अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए उन्होंने अपनी पत्नी रज्जो को छोड़ दिया। आखिर आपके जो प्रेम प्रसंग की कहानी है वो शुरू कहाँ से हुई? जी हाँ थोड़ा सा गौर से सुनिएगा इनकी दास्तान प्रेम की। अब मैं भी अपने एक बार चेहरा दिखाना चाहूंगा ये सुज्जू की दास्तान टहलू के लिए। आखिर टहलू और सुज्जू का प्रेम प्रसंग कैसे चालू हुआ ये बता रहे हैं, आम के बगीचे से चालू हुआ। आगे आप बताइए। एक घर के काम नहीं जानते गौर फरमाइएगा, टहलू और सुज्जू की प्रेम कहानी आम एक टोकरी आम से चालू हुई थी। पूरा एक टोकरी आम सुज्जू को दिया गया था टहलू के द्वारा। अगले इस पॉइंट को नोटिस किया जाए और आगे इसके बाद हो गया, रोज रोज मिलने लगे, मैं जहाँ जाती थी वो मेरे पीछे पीछे आते रहे। सुनने में आया कि एक आध दो बार आपको अमेरिका और शिमला मनाली भी घुमाया गया टहलू जी के द्वारा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जाना तो मैं जगह ठंडा ठंडा लग गए रही थी। अच्छा ठंडा ठंडा मतलब कश्मीर? शिमला कहा था। अच्छा शिमला जी हाँ शिमला। गौर फरमाइएगा एक बार टहलू जी के द्वारा अपने गर्लफ्रेंड सुज्जू को शिमला की भी सैर कराई गई थी। हाँ, एक डर की जानते है यार। हाँ। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। इनकी और एक सनसनीखेज खुलासा सुज्जू के द्वारा किया गया कि लंदन की भी सैर कराई गई है, मतलब काफी पैसा खर्चा करते थे टहलू आपके ऊपर। ऊपर तू ही अपन अपने जानते हैं मोरे नीति बिटिया बन बन के आते हैं ताकि मोरे घर वाले ना जाने पाए और मोरे घर में बिटिया बन के। जी हाँ एक और सनसनीखेज खुलासा होता हुआ कि सुज्जू से मिलने के लिए रात में ये लड़कियों की वेशभूषा धारण करके जाते थे टहलू इनके घर इनसे मिलने के लिए। हाँ ताकि वो पहचान ना पावे और नाम बताते हैं कि मैं टिकटॉक बनाऊं एक और सनसनीखेज खुलासा होता हुआ कि टिकटॉक की वीडियो बनाने के कारण रज्जो और टहलू के रिश्तों में आई दरार, जो आज इनकी बात तलाक तक पहुंचाई है केवल टिकटॉक और सुज्जू से मिलन के बीच की। एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि आपके और टहलू जी के जो बीच प्रेम प्रसंग चालू है इससे उनके वैवाहिक जीवन में दरार आ गई है, तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं, क्या वो रज्जो से तलाक? सनसनीखेज खुलासा होता हुआ कि टहलू उर्फ निखिल तिवारी जब भी अपने घर जाते थे उनकी पत्नी रज्जो बेशरम और बांस के डंडे से उनकी पिटाई करती थी। अरे बेलन ना मारत रही। जी हाँ एक और हाँ बेलन से भी मारपीट की घटना भी सामने आ रही है। आज का सबसे सनसनीखेज खुलासा होता हुआ कि मारपीट के बाद टहलू उर्फ निखिल तिवारी एक बार रात में केवल पज्जी पहने हुए घर से अब दीवार फांद कर भाग गए थे अपना जान बचाकर। जाके बेसार में मनु के रही नहीं पहन निकाल के लायो। अच्छा अब तो वही कहत रही नहीं इधर की कहां कहां मैं उसे तलाक ले ले ऊंचाई जैसा ले लूं। ये तलाक लेने के बाद सुनने में आया कि आपसे भी विवाह की योजनाएं मना काहे ना करिए काज ना करिए चल बैठो छाती मां के मैं। जी हाँ एक और सनसनीखेज खुलासा होता हुआ सुज्जू के द्वारा कि अगर टहलू इनसे विवाह नहीं करते हैं तो ये अपनी बात महिला मोर्चा तक महिला बाल विकास मंत्रालय तक भी रखेंगे। आखिर इनका प्रेम प्रसंग पिछले 15 सालों से चल रहा है,
आगे के अपडेशन के लिए हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।